इसलिए हम बस खा रहे हैं। चीकू सुट्टा पीना है? हाँ। सुट्टा ही पिएगा। और चाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सभी आप लोग मजे में होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और दीक्षा दीदी, हम लोग दीक्षा दीदी चोटी कर रही है और अभी मैं तैयार हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और वहाँ पे भैया सो रहे हैं, तो अभी मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगा, तो अंदर नहीं जाने देगा। ये डर मुझे अच्छा लगा। दो छोटी वाली जीजा जी की साली जीजा गए अंदर, पकड़ लिया बंदर। सो गाइस, मिलते हैं स्कूल के बाद। बाय बाय। बाय बाय, टाटा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सभी आप मजे में होंगे। तो दुकू ने तो व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया था, मैंने बाद में देखा, मैंने रात नहीं बोला था कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं स्कूल जाने से पहले, मेरा फोन यहीं पर रहेगा, तुम लोग स्टार्ट कर दो। मेरे को लगा नहीं था कि वो लोग स्टार्ट करेंगे, बट उन्होंने कर दिया। और भाई अभी जस्ट मैं ऑफिस आया हूँ और देखो मम्मी का तबीयत खराब है। कैसा लग रहा है आपको? फिर भी कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, पंखे में है। तो भाई मम्मी को डॉक्टर के पास लेके भी जाना है, और दीक्षा और डुगू को पहले स्कूल से लेके आएंगे, उसके बाद जाएंगे मम्मी को लेके डॉक्टर के पास। तो चलो पहले चलते हैं, दीक्षा और डुगू को लेके आते हैं, वो भी कार में। तो गाइस अभी आ चुके हैं दीक्षा के स्कूल, बस छुट्टी होने ही वाला है, फिर लेके चलेंगे उन्हें घर। तो गाइस चीकू आ गया, कहाँ गए दीक्षा डुगू? आ रही है, उन लोग का लेट लगता है, उन लोग ऊपर से आती है। और बदमाशी किया आज? नाइसली मार खाया। किससे मार खाया? कैसे, क्यों? उन्हें मतलब का नाम लिख देता है, सब हल्ला करवे नहीं करते यार। मॉनिटर डुगू अभी 60 बार सीटअप की। 60 बार? हाँ। आज सुनने में आ रहा तुम 60 बार सीटअप की डुगू? हाँ, ये मार खाया। और तुम? 60 बार नहीं, हम 30 बार की। इसीलिए आज पतली लग रही है ना दीक्षा? हम गिन रहे थे 60 बार। आज मेरे पास आके रो रही थी। हाँ, घर जाएंगे। तो गाइस आ चुके हैं घर, और वो लोग देखना भी फोन में लगे पड़े होंगे, देखना। बस हो गया, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस देखो मैंने बोला था ना फोन में लगे होंगे। हाथ धोई? पहले हाथ धोते हैं भाई, हैंड वॉश करते हैं आके। गाइस जब मैं स्कूल से घर आता था बचपन में, तो आता ही हैंड वॉश करता था, उसके बाद मम्मी खाना निकाल देती थी, पूछती थी स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बातें करता था, बताता था ये हुआ। और इनको देखो तो भाग गई, अभी दूसरे रूम भाग गई, आते ही फोन। तो गाइस डुगू आज मोबाइल नहीं देख रही है, बट टीवी देख रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खुद से खाना नहीं आता तुमको डुगू? कब सीखेगी खाना खुद से? तो गाइस फिलहाल अभी निकलते हैं डॉक्टर के पास, मम्मी भी आ गई है। हम आगे पार्क कर लेते हैं गाड़ी, ठीक है, वहाँ पे। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं डॉक्टर के पास, तो मैं गाड़ी पार्क कर रहा था इधर, मम्मी उतर के चली गई, तो चलो चलते हैं अभी। मम्मी फिलहाल भी अंदर गई है, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, वो सब बढ़िया हो। तो गाइस मम्मी का चेकअप हो गया, मतलब नॉर्मल फीवर है, जैसे मौसम चेंज होता है ना उसी की वजह से। और मम्मी ने फ्रिज का पानी पी लिया था, बताओ, हमें मना करके खुद पी लिया, तो उसके वजह से शायद हुआ है सर्दी थोड़ा सा और थोड़ा फीवर। तो अभी यहाँ से मेडिसिन लेते हैं और चलते हैं घर, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइस चेकअप भी हो गया, दवा भी ले लिया हमने, 3-4 दिन के बाद फिर से आना है, तो फिलहाल अभी चलते हैं घर। तो गाइस फिलहाल अभी घर पे हैं, थोड़ी देर में ऑफिस में था, अभी ऊपर आया हूँ, और डुगू का भी तबीयत खराब हो गया। तो गाइस आपको डुगू वहाँ पे दिख रही होगी, क्या हो गया डुगू, क्या हो गया बताओ, क्या हुआ? गैस ये बात नहीं कर रही है, देखो चाची पैर दबा दे रही है, बिकॉज का तबीयत खराब हो गया ना, ठंड लग रहा होगा इसे। चीकू भी आया हुआ है डुगू को देखने के लिए। चलो डॉक्टर के पास जाना है क्या? नहीं जाना है? सुई डर लगता है तुमको ना? तो गाइज मेरे को सुबह से ही सेविंग कराने के लिए जाना था, बट टाइम ही नहीं मिला, कहीं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कभी ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी ये कभी वो, काम में बिजी हो जाता है। छोटा सा काम के लिए मेरे को सप्ताह भर लग जाता है, मतलब एक हफ्ता लग जाएगा अभी देखना है ना, सेविंग कराने में, इससे क्या पता होगा। हाँ इससे पूछ रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे कहीं घूमने के लिए, इधर उधर थोड़ा सा डोल के आएंगे, तो मैं जाऊंगा, चीकू जाएगी और दीक्षा जाएगी, चीकू जाएगी और दीक्षा भी जाएगी, ठीक है। तो अभी दीक्षा ट्यूशन गई है, तो वो आ जाएगी और फिर हम लोग निकलेंगे। गाइस पता नहीं क्या हो रहा, सभी का तबीयत खराब हो रहा है, मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, किसी का नजर लग गया होगा ना, मम्मी बोल रही है हाँ किसी का नजर लग गया, उतार दीजिए। क्या होता है नजर, क्या होता है बताओ? नहीं जानते हम भी। नजर क्या होता है? नहीं जानते। नहीं जानता है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है तुम्हारा? गाइस देखो कि क्या लगा हुआ है इसका, पाउडर लगाया ना? क्रीम पाउडर लगा के रेडी हो के आए, इसे मैंने बोल दिया घूमने चलना है, तो रेडी हो गए मस्त, देखो क्रीम पाउडर लगा के। तो गाइस फिलहाल मम्मी से बैठे हैं, कैसा तबीयत आपका? ठीक है, सब ठीक है ना?
दवाई लिए थे अभी। तो गाइस दीक्षा भी आ चुकी है, आते ही देखो आईने के सामने प्रकट हो गई। क्या हो रही? प्रकट हो गई। तो गाइस देखो इसका मेकअप चल रहा है अभी और आधा घंटा लेट होगा। नहीं वो चलो निकले, चलो 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 देखो फिर से देखेगी, देखो देखा ना। अच्छा हम लोग आते हैं, कुछ ला देंगे खाने के लिए, बताओ कुछ खाएगी बोल, ले आएंगे जल्दी बताओ। मोमोज खाएगी? हाँ फीवर में ही मोमोज खाना है। तो गाइस डुगू का फीवर है, फीवर में ही मोमोज खाना है। ऐसे देखो, देखो तुम्हारी बहन को देखो, फीवर में ही मोमोज खाना है उसको। तो गाइस हम सभी बैठ चुके हैं, चीकू बैठा है पीछे और आगे बैठी है दीक्षा। और गाइस देखो क्या लेके जा रही है, कंघी भाई, कंघी लेके जा रही है। देखो लड़कियों का यही है भाई, लड़कियों का आदत कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा तो वहाँ रुक के मस्त खाना पीना खाएंगे, मतलब नॉर्मली स्नैक्स वगैरह खाएंगे, है ना चीकू? गाइस देखो इसका मेकअप स्टार्ट। अरे मेकअप किसको बोल रहे, मुंह में होता मेकअप या बस कंघी? तो बाल में मेकअप हो रहा है ना, बाल में मेकअप नहीं होता है ना। तो गाइस आधा घंटा से हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो फाइनली अभी हमें दिखा चाय सुट्टा बार, मतलब अचानक दिख गया। इधर हम मोराबादी साइड आए थे तो अचानक दिख गया चाय सुट्टा बार, जो कि मैंने रील्स पे देखा था चाय सुट्टा बार के बारे में। भाई मुझे पता भी नहीं था कि रांची में भी चाय सुट्टा बार है, तो अभी जाते हैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ चाय वाय पिए। तो हमें थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा बिकॉज इधर पार्किंग नहीं था ना, तो पहले उधर ही पार्क कर दिए। सुट्टा मतलब क्या होता है सुट्टा? नहीं पता। नहीं पता? सच्ची? तुमको नहीं पता है? सच्ची? गाइस पहुंच गए चाय सुट्टा बार। चीको सुट्टा पीना है? सुट्टा ही पिएगा और चाय शरीफ बन रहा है भाई, शरीफ बन रहा है। क्या होता है सुट्टा मतलब बता दो बस। बीड़ी? बीड़ी बीड़ी नहीं होता, क्या होता है बताओ तो। नहीं जानता बट लेकिन समझ रहा है तुम, नाम सुने सुना है। पहले कैमरा में बोलो कुछ, अगर तबीयत खराब हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हाँ तो फिर ठंडा ठंडा पियो तुम लोग, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। स्नैप ले लो, फर्स्ट टाइम पिया कैसा लगा? मस्त है ना। तो गाइज मेरा चाय भी आ गया। गाइज हम केसरी है ना, तो केसर वाला चाय पी रहे हैं, सिर्फ 20 रुपए में भाई, मस्त चाय है। तो गाइज यहाँ पे तो बहुत मजा आया, अब चलते डुगू के लिए मोमोज पैक कराने। तो गाइज डुगू के लिए मोमोज ही मिल गया, तो फिलहाल अभी चलते हैं घर। तो फाइनली गाइज घर आ चुके हैं, चलो डुगू से मिलते हैं, देखते हैं उसका तबीयत कैसा है। तो गाइस मम्मी रोटी बना रही है और देखो फीवर में चॉकलेट खा रही है, देखिए चॉकलेट खा रही है अभी, सर्दी है ना इसको। मोमोज ले आए, जाओ मोमोज खाओ, मोमोज खाएगी तो ठीक हो जाएगी डुगू, तुम अभी ठीक हो गए? ठीक हो गई, वाह। तो मोमोज कौन खाएगा फिर? ठीक हो गई तो जल्दी क्या खाई जो ठीक हो गई? बस दो दिन बाद इधर से उधर हुए, आंगन क्या ठीक हो गए, आंगन की ठीक हो गई। तो गाइस डुगू ठीक हो चुकी है फाइनली, बॉडी दिखा रही देखो, कृष्ण भगवान बन गई ना, गोवर्धन पर्वत। ओ भाई छोटी उंगली से उठा दी, देखो गाइस ये पूरा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं रात को बुड्ढा खा रही है, बुड्ढा और तुम मोमोज खा रही है। गाइस और रात में मकई खा रही है, मकई और तुम मोमोज खा रही है। वो तो उसका तबीयत खराब, तुमको क्या पता कि ठीक हो जाएगी इतना जल्दी, है नाइट एंगल। हाँ हाँ पूरा तुम ही खाएगी मकई, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया। चलो मोमोज खाते आ जाओ, चलो लो। डांटेंगे तो? नहीं डांटेंगे, चलो। अगर पापा डांटेंगे तो बोलेंगे ना, हाँ पापा हम मेरा तबीयत खराब था इसलिए हम मोमोज खाए। गाइस काफी दिनों के बाद मोमोज खाया मैंने, दो पीस ही खाया, बाकी सब तो डुगू ने खा लिया, बहुत मस्त लगा था भाई मोमोज। तो गाइस फिलहाल अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी डिनर कर रहा हूँ रोटी और रुगड़ा का सब्जी। रुगड़ा मीन्स हो गया आपका वेज मीट। गाइस दीक्षा ने ये भी बनाया था तो ये भी खाते हैं मकई। गाइस हम तो वेजिटेरियन है इसलिए नॉन वेज नहीं खा सकते, इसलिए हमारे वेजिटेरियन खाने में भी वेज मीट आता है रुगड़ा। हाँ। तो खाना पीना तो हो गया और भाई मकई कितना मस्त मीठा है ना, मीठा भाई, मीठा मीठा मस्त लगा। तो चलते हैं अभी एडिटिंग पे और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मत रो डुगू, क्यों रो रही हो, कोई मारा है क्या तुम्हें?